अली ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई कि आपकी बस खराब हो गई। अब बात ऐसी है जी कि आप लोग जो हैं बीच में फंस गए। देखो भाई, अभी हमारे पास गांव में रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। गोविंद जी, पूरी भाजी जरूर बनेगी, लेकिन आप लोग नहीं बनाएंगे। पूरी भाजी हम सब जेंट्स मिलकर बनाएंगे। ओ पांडे, ओ यार, तू ना मेरे साथ ही सोना। मैंने सुना है इन भूतों को ना रात में भी दिखाई देता है। हाय हाय, उम्मी भाई ने बताया कि जलपाव अभी तक घर पे नहीं पहुंची। हाय हाय, हे कान जी, मेरी बेटी जलपा की तुम रक्षा करना, लेकिन मैं अभी क्या करूं? मैं ही जलपा को फोन लगाती हूँ, यही ठीक है। हाश, रिंग बज रही है। उठा उठा जलपा, फोन उठा। आए, फोन काट दिया। अभी अभी मैं क्या करूं? एक बार और लगा के देखती हूँ। ए कांजी, मेरे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन बंद हो गया। अभी देखो तो सही, ये सारे लोग नए साल के उत्सव में कैसे मगन है। अभी मैं जलपा के प्रॉब्लम के बाद उन लोगों को बताऊंगी तो बेचारे दुखी दुखी हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं ना इनमें से किसी एक का फोन लेकर जलपा को फोन लगाती हूँ। हाँ, फोन लगाती हूँ। इंद्री, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ याद आ रहा है रज्जो? नहीं। वो सर्द हवाएं, वो आसमान में उमड़ती काली घटाएं, हल्की हल्की बारिश, पायल की छनकार से छम 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 करती हुई, कोयल की कू कू के साथ गाती हुई वो 16 साल की लड़की। बस कीजिए जी, मुझे कुछ कुछ होता है। दादी, ये कुछ कुछ क्या होता है? मुझे नहीं, तुम्हारे दादाजी को हो रहा है। हाँ दादाजी, तो हमें भी बताइए ना, कुछ कुछ क्या होता है? हा? आप ही समझाओ ना इसे। बेटी, जब हम गांव में आते हैं तो मुझे कुछ कुछ होता है। जब मैं छोटा था ना तुम्हारी तरह, तो मैं सुबह उठते ही अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाता था और अमरूद खा खा के नाश्ता भी कर लेता था। वो भी बिना मुंह धोए? हाँ, जब तुम छोटी थी, सुबह सुबह कुछ खा लेती थी, तब तुम्हें मालूम होता था कि तुमने दांत साफ किए हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद हम नहर में उतर जाते थे, नहर में खूब तैरते थे, खूब नहाते थे, फिर बाहर निकलकर तैयार होकर स्कूल चले जाते थे। वो भी बिना कपड़ों के? अरे, कपड़े पहन के। और फिर हम कबड्डी खेलते थे, तू 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 तू। दादाजी, फिर हमें भी कबड्डी खेलना है? हाँ, जरूर खेलेंगे। पांडे जी, मुझे जरा आपका मोबाइल मिलेगा प्लीज? हाँ मिलेगा, मिलेगा। मेरे को एक अर्जेंट फोन करने का है। लीजिए। इसमें जलपा का नंबर है। जागृति, पांडे जी के फोन पर जलपा का नंबर कैसे रहेगा? हाँ, मैं भी कैसी गंडी हूँ ना। हाँ, लेकिन पांडे भाई, इसमें ओमी का नंबर होगा? ओमी का नंबर तो होगा। तो जरा इसमें से ओमी का नंबर लगा दीजिए ना प्लीज। ओमी ओमी ओमी, ये लीजिए। अरे पांडे भाई, ये तो घड़ी घड़ी फोन लगता है, कट हो जाता है, क्या गड़बड़ है?
अरे सिग्नल नहीं आ रहा होगा भाई, ये देखो सिग्नल नहीं है। ओ क्या, अपने फोन पे ट्राई करते हैं। ये तो बैटरी डाउन है। हे भगवान, अबे मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे उत्सव का उजवणी चालू रखो। हम तो आपको देख के नाच लेते हैं भाई। देखिए पूरा साल आप नचाते हैं, एक दिन तो हम भी नचाएंगे। ऐसे पकड़िए, ऐसे घूम, अरे संभाल के ऐसे घूमी, अरे अरे हमको भी गिराइएगा। अरे तो हम ना ही नाच सकते हैं ना। दूसरा वाला करते हैं। आपका फोन हमारे पास नहीं है। कांजी, मेरा नहीं तो मेरा मोबाइल। हाँ, दे दीजिए। इसमें सिग्नल आता है? कहे? अरे वो पांडे जी के मोबाइल फोन से अभी सिग्नल भाग गया था ना, इसके लिए। अरे देखिए फोन आ गया है। वो जो नेटवर्क भाग गया था ना, अलर्ट आया है। एक मिनट बतिया के देते हैं। हेलो सर, रमेश बोल रहे हैं। पहचान ले सर, दुबई से बोल रहे हैं ना आप? प्रणाम। जी, अब बहुत मजे में है सर। अब बिटिया गोद ले लिए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं। जी सर, बहुत ही प्यारी है। अम्मा ने रख लिया है, बोले पिकनिक पे जाओगे या बच्ची को रखोगे? जी आएंगे सर, बहुत जल्दी आएंगे सर, लेकिन इस बार आएंगे तो तुरंत लौट आएंगे सर। बिटिया बहुत ही प्यारी है सर। प्रणाम सर, प्रणाम। बात करती हूँ ऑफिसर से, बात कर। अरे उनको अर्जेंट में बात करने। लीजिए, इसमें जलपा का नंबर है तुम्हारे पास? अरे इनके मोबाइल में जलपा का नंबर कहाँ से आएगा? मैं भी टेंशन के मारे क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आता। लो तुम्हें एक काम कीजिए, हमारे मोबाइल से बात कर लीजिए। अरे तो मेरा मोबाइल तो बंद हो गया। दैया रे दैया, वो कहा है ना कि आजकल मोबाइल वाले मेरा ना जाने काका डाल के रखते हैं कि बैटरी है जो ना खाली हो जाता है। हाँ, और क्या बात करते हैं सरोज जी, मोबाइल आजकल ही होते हैं, कौन सा प्राचीन काल में होते थे। एक मिनट, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा वो उत्सव की उजवनी चालू रखो, वो डांस वांस चालू रखो। मैं अभी आती है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलो, थैंक यू। बॉस की बैटरी चालू है तो उधर जाके तो मैं मोबाइल चार्ज कर सकती हूँ ना। हाँ, मैं उधर जाके मोबाइल चार्ज करके आती हूँ। लाइट को क्या हुआ? लाइट कहाँ बंद हो गई? अरे बैटरी फुस हो गई है। अरे कोई तो मदद करो, गियर अटक गया हूं जैसे। सरोजी शोर न मचाइए, सो रहे हैं का? नहीं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। अरे मजाक कर रहे हैं। देखिए का है कि थोड़ा रुई है तो दीजिए ना हमको। रुई? हाँ। का है? अरे अपने कान में डालेंगे। कान में?
अब देख रहे हैं ना, धुधड़ 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 एक सोने नहीं दे रहे घर राटे इनके। रोई लेके अपने कान में काहे डालेंगे, इनके नाक में खोल दीजिए ना। जगह तो है सरोज जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कान में डालेंगे कि नाक में डालेंगे, प्रॉब्लम ये है कि रुई तो दीजिए। अरे रुई चाहिए आपको? हाँ। अच्छा हाँ। वो कहा है ना कि बाहर वो जो जंगल है ना वहाँ रुई का पेड़ लगा है, वहाँ से जाकर रुई तोड़ कर लाइए और इनके नाक में खोज दीजिए, बस हमको सोने दीजिए। आप हमारी हमारी बीवी है कि दुश्मन है? अरे हमको सोने दीजिए, हम बहुत सपना देख रहे थे। अच्छा बोला। अरे तेरे की हमको काहे मार रहे हैं भाई, अरे मार रहे अंकल। और मेरे को चपेड़ क्यों मारी? मुझे पता ही नहीं चला हम कब थपेड़ मारे, आपके हाथ ने खुद आपको थपेड़ मारा है अंकल। और देखिए आपका गाल जो लाल हुआ है ना, वो आपके आपके इस हाथ से हुआ है, मच्छर काटा है आपको। मच्छर? मच्छर खोता? खोता नहीं, मच्छर 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 कमबख्त। एक मच्छर आदमी को आदमी को क्या और क्या से क्या बना देता है। सोइए सोइए सोइए, अब लोग आराम से थके हारे सो रहे हैं, अपनी धरती से जुड़ के सोने का मजा ही कुछ और है भाई। शाबाश, सोइए। कांजी, मैं कितनी स्वार्थी माँ हूँ कि अपनी बेटी को उधर शहर में अकेले छोड़ के इधर न्यू ईयर नए साल की पार्टी मनाने के लिए आ गई पिकनिक में। और अपनी जवान बेटी को अकेले ऐसे आधी रात को घूमने जाने की परमिशन भी दे दी है। मेरे बेटी को क्या हुआ? अभी तुम्हें मेरी जलपा की रक्षा करना खेत के अंदर और नहाना धोना नदी में। छी 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 छी, दया रे दया, खुले माँ
ये सब सुनकर तो हमारी सोच भी मर गई और सोच भी। संभाल के हाँ, चलो फोन करो। चलो आइए बात कीजिए। हेलो जलपाड़ी। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, हेलो जलपा बेटा, वो बोलो जो मम्मी। हाँ माँ, तू ठीक है ना? I'm sorry माँ, मुझे इस तरह अकेले न्यू ईयर मनाने नहीं जाना चाहिए था। अकेले क्यों बेटा, तू तो अपने दोस्तों के साथ गई थी ना? हाँ माँ, पर मेरे दोस्त ही हैवान निकले। मैं ये सोच के गई थी कि वो मेरे दोस्त है, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, पर माँ उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बेटी बची है माँ। ये तो क्या कह रही है बेटा? माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, उसकी सजा मिल गई मुझे। अबे तुम जो बोलोगे ना वैसे ही मैं करूंगी। श्रीकांत जी, अब तूने मेरी बेटी जलपा की लाज बचा लियो। देख अभी तू ना बिल्कुल चिंता मत करना हो। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, आज मुझे नसीहत मिल गई है कि अपने जवान बच्चों को उतनी ही छूट देनी चाहिए जितनी छूट जरूरी है। ज्यादा छूट देने से कितना बुरा परिणाम आ सकता है आज मुझे पता चल गया। मेरी बेटी तो बच गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बेटी बच जाए। अरे आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? चलिए मेरे साथ खेत में, बगल में नदी है, शौच क्रिया भी हो जाएगी और नहाना धोना भी हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, शौच भी उसी नदी में और नहाना भी उसी नदी में। अरे ना, शौच खेत के अंदर और नहाना धोना नदी में। छी, तैयार है भैया, खुले माँ। ये सब सुनकर तो हमारी सोच भी मर गई और शौच भी। अब देखो भाई, जो है तो यही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप लोगों को जाना है तो जाओ, मुझसे तो नहीं होगा। शेर सिंह, बाद में ही अकेले जाना पड़ेगा। चलिए चलिए आप लोग चलिए, आइए 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 आइए। चलो भाई चलो, हम तो चलते। अरे यार, ये अरे ये आई आई आई, क्या मुसीबत है यार, कहाँ लाके फंसा दिया? टोटल मल खोते हैं, बोलना तो चाहिए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे इतना बड़ा आवाज आया, सुना नहीं गया? कटपीस काट के यहाँ भी एक सज्जन बैठे हुए हैं आराम से, अब मैं किधर जाऊं? प्रेशर बढ़ रहा है। कर्नल साहब, मजा आ रहा है। ये
ये रमेश का बच्चा यहाँ डेरा जमाए बैठा है। इधर प्रेशर बढ़ रहा है, कहाँ जाऊं, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। हाय हा हा हा, मजा आ गया। अब अरे साहब रुक क्यों गए, धोइए धोइए ना। नहीं नहीं ठीक है। अरे सोच क्या रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग क्यों नहीं सोचते, जिस पानी को आप लोग पीते हो, हम सब लोग पीते हैं, उसी में आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। अरे साहब पानी साफ है, धोइए। अपने गंदे हाथ इस गंदे पानी में कैसे धोऊं? ना ना, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है वो हम सबको भी अपना लेना चाहिए। कहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बोलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कमाल है, इस गांव में शौचालय ही नहीं है। हजूर हमको तो कभी इसकी कमी खली नहीं। गोविंद जी, हाँ जी, खुले में शौच करने से कई बीमारियां फैलती हैं। हाँ सो तो है जी। मनुष्य स्वच्छ रहे तब स्वस्थ रहता है। लेकिन साहब जी जो हमारा सरपंच है ना, उसने हमें शौचालय के महत्व को कभी नहीं समझाया। अपने घर में तो शौचालय बना रखा है और हमको कर रखा है बीमारियों के हवाले। जबरा है तुम्हारा सरपंच जी। आइयो, एक जबरा क्या होता है? जबरा मतलब बदमाश, बदमाश, बदमाश जबरा। हाँ ऐसे बोला ना हिंदी में। हाँ जी, आजकल तो हमारी सरकार भी सफाई अभियान चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में कहा है कि घर घर में शौचालय है। सो देयर इज नो कचरा, देयर इज नो कूड़ा। अरे भाई हम तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है वो हम सबको भी अपना लेना चाहिए। कहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बोलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इध पार पकड़ो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये देखो ये क्या करूं। हाँ चलो साफ कर लेती हूँ इसे। इसे यहीं रहने दीजिए, पशु पक्षी खा लेंगे। अरे गंगा, पशु पक्षी खाएंगे तो भी कितना खाएंगे, फिर भी कचरा तो रह जाएगा ना। ठहरो मैं साफ करती हूँ। अरे मैडम ये मेरा काम है, मैं करेगी ना। अरे, अरे क्या चमेली मैं करेगी। हाँ। ये कचरा किसने किया? हम सब ने। ये गंदगी जिसने की उसका साफ करने का हक बनता है कि नहीं है? करो। हम भी करते हैं। हाँ चलो। सुनिए आप स्त्रियां यहाँ का कचरा साफ करें और हम लोग वहाँ का करते हैं। चलिए चलिए चलिए। गंगा तुम जाके ना एक डस्टबिन कचरे का डब्बा लेके आना, एक सूखा कचरे के लिए एक गीला कचरे के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए गंगा आंटी, क्योंकि सूखे कचरे को अलग से और गीले कचरे को अलग से रिसाइकल करके उसका सही सही उपयोग किया जा सके। समझ गए। कबड्डी 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 यार, मैं कैसे छू उनको? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मेरे गांव में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोग गोविंद के मेहमान हैं, इसलिए मेहमान बनकर रहिए। देखो मेरी तरफ मत बढ़ो मेरी तरफ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं कह रहा हूँ रुक जाओ।